हेलो स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का अधिनियम, वन्य जीव का अधिनियम जो कानून बने हैं उसके बारे में है। इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड ऑन 9 सितंबर 1972। ये जो मैंने डेट बोली है 9 सितंबर 1972 को ये इनेक्टेड हुआ। ये डेट अक्सर आपसे पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो नोट कीजिएगा इसको। इट प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। क्या करता है ये? संरक्षण प्रदान करता है वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों को, जंगली चिड़ियाओं को और प्लांट्स को। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, सारी इंडिया में, जम्मू कश्मीर के अलावा ये सारी इंडिया में ये वाला अधिनियम या एक्ट लागू होता है। इट हैज 6 शेड्यूल्स विच गिव वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। डेफिनेशन ऑफ सम टर्म्स यूज्ड अंडर द एक्ट। एनिमल इंक्लूडेड एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, एनिमल्स आर्टिकल, इसका क्या मतलब होता है? मीन्स एनी आर्टिकल मेड फ्रॉम एनी कैप्टिव और वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, फिर हंटिंग, शिकार को कहते हैं। इंक्लूड्स कैप्चरिंग, यानी पकड़ना भी इसी में आता है। हंटिंग या शिकार में क्या आता है? जानवरों को पकड़ना, मारना और उसकी ट्रैपिंग, इंजरिंग मतलब उनको चोट पहुंचाना, इन सब पे ये हंटिंग शब्द काम में आता है। फिर है ट्रॉफी, means the whole or any part of any captive or wild animals which has been kept or preserved by any means। उनके अंगों का कोई भी या पार्ट प्रिजर्व संरक्षित किया जाए या उसको नुकसान पहुँचाया जाए या लिया जाए, जैसे फेदर्स वगैरह, ये इसमें आता है। फिर वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनी एनिमल्स, बीज यानी मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ वगैरह, बीज, बटरफ्लाइज यानी तितली, क्रस्टेशियंस यानी झींगे वगैरह जो होता है, प्रॉन, फिश एंड मॉथ्स, एंड एक्वेटिक और लैंड वेजिटेशन, पानी में और जमीन स्थल पर मिलने वाली वनस्पति, विच फॉर्म पार्ट ऑफ एनी हैबिटेट, जो उसका आवास बना रहे जंतुओं का। फिर अथॉरिटीज अपॉइंटेड अंडर द एक्ट, अधिकार वगैरह अधिनियम के अंदर। द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट, जो केंद्र सरकार है उसने ये 3 दिए हैं। डायरेक्टर किस किस को अपॉइंट करते हैं वो? डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन यानी वन्य जीव संरक्षण के डायरेक्टर, अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज एज मे बी नेसेसरी। फिर स्टेट लेवल पर द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट अ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, वाइल्ड लाइफ वार्डन्स, वन ऑनरेरी वाइल्ड लाइफ वार्डन्स, ये याद करेगा, अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज। फिर वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड होता है, सलाहकार बोर्ड, वन्यजीव सलाहकार बोर्ड, ये इसमें आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना, नोट्स बना लेना, बहुत अच्छे ये आज का वीडियो है, ये आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, हंटिंग, अभी हमने हंटिंग में क्या क्या आता है वो बताया था, शिकार करना, पकड़ना वगैरह। हंटिंग ऑफ एनिमल्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, 2, 3, and 4 इज प्रोहिबिटेड, रोका जाता, निषेध है। हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इज परमिटेड इन सर्टेन केसेस, कुछ केस में परमिट किया जाता है, जैसे कि इफ़ द एनिमल हैज़ बिकम डेंजरस, ठीक है ना, तो उसको पकड़ने की परमिशन होगी कि वो डेंजरस हो गया है, पागल हो गया है, हाथी या जो भी शेर वगैरह मानव को खाने लग गया है, तो उसको अलाउ करेंगे इन कंडीशन में। किलिंग और वाउंडिंग इन गुड फेथ इन डिफेंस ऑफ ऑन सेल्फ और एनी अदर पर्संस, एनी वाइल्ड एनिमल्स किल्ड और वाउंडेड इन डिफेंस ऑफ एनी पर्सन शैल बी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, इसके भी कुछ रूल्स हैं बना दिए गए हैं सरकार ने। ग्रांट ऑफ परमिट फॉर स्पेशल पर्पस, यानी एजुकेशन के लिए, जैसे आपने देखा होगा ना लेबोरेटरीज वगैरह में उनके पार्ट्स, वो पूरे एनिमल्स प्रिजर्व होते हैं, या डिसेक्शन वगैरह जो किए जाते हैं, जो भी रिसर्च के लिए काम में लेते हैं, तो उसको परमिशन होती है गवर्नमेंट की।
फिर है सेकंड साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक मैनेजमेंट, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन फॉर जूज, म्यूजियम एंड सिमिलर इंस्टीट्यूशंस, आपने जार में देखे होंगे ना इन्वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट, डेविएशन कलेक्शन और प्रिपरेशन ऑफ स्नैक वेनम, मैन्युफैक्चर ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स औषधियों के लिए, फिर ये हो गया आपका हंटिंग एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, फिर प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स, ये भी आप देख लीजिएगा, इनको भी प्रोटेक्शन दिए जाते हैं क्योंकि एनिमल्स इस सराउंडिंग में ही तो रहता है, उसका आवास है ये सब, फिर प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स, प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स हो गया, देन सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड क्लोज्ड एरिया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सेंचुरी वन्यजीव अभयारण्य क्यों कहते हैं, नेशनल पार्क्स का मतलब होता है राष्ट्रीय उद्यान और उनका क्लोज्ड एरिया। द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर इट्स इंटेंशन टू कॉन्स्टिट्यूट एनी एरिया कंप्राइज्ड विद इन एनी रिजर्व फॉरेस्ट और द टेरिस्ट्रियल वाटर्स एज ए सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी की डेफिनेशन आती है कि अभयारण्य किसे कहते हैं और अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है, ये प्रश्न भी एग्ज़ाम में आता है। तो इनमें कुछ थोड़ा सा अंतर है कि सेंचुरीज़ में कुछ कंडीशन में हंटिंग अलाउ होती है, जबकि नेशनल पार्क में इमारतें भी आती है, जो ऐतिहासिक इमारतें, वहाँ का प्लांटेशन और एनिमल्स सभी आते हैं उसके अंदर, और वहाँ हंटिंग अलाउ नहीं होती है। तो ये कुछ अंतर हैं जो बुक से, और इससे आप अपनी नोटबुक में अंतर भी लिखिएगा और दोनों की परिभाषा भी लिखना, डेफिनेशंस ऑफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क एंड डिफरेंस बिटवीन सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। फिर है नेशनल पार्क क्या है, देखो इससे बहुत आपके अच्छे नोट्स बन जाएंगे। वेन एवर इट अपेयर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट दैट एन एरिया, क्या है ये नेशनल पार्क, एक एरिया है, वेदर विद इन अ सेंचुरी और नॉट, इज़ बाय रीजन ऑफ इट्स इकोलॉजिकल फॉनल फ्लोरल, यहाँ पे सब आ जाता है, फोना एंड फ्लोरा यानी जंतु और प्लांट्स वगैरह, फोना फ्लोरा इसी को कहते हैं, ये सब आप अपने नोट्स में डाल लेना। ये नेशनल पार्क के बारे में है। फिर क्लोज्ड एरिया क्या है, तीनों का बता दिया ना, सेंचुरी, नेशनल पार्क और अब है तीसरा क्लोज्ड एरिया। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर एनी एरिया क्लोज टू हंटिंग फॉर सच पीरियड एज में बाय स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, नो हंटिंग, यहाँ पे क्या होता है क्लोज एरिया में, नो हंटिंग ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल्स शेल बी परमिटेड इन ए क्लोज एरिया ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। ये पूरा कानून वाला है आपका, जो ये आज का टॉपिक है, क्या क्या अधिनियम एक्ट बने हैं और उन क्या काम करते हैं। ट्रेड और कॉमर्स इन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, एनिमल्स आर्टिकल एंड ट्रॉफीज़, ये ट्रॉफीज़ और इनकी डेफिनेशन सबसे पहले दी थी, आप रिपीट करके देख लेना, ट्रॉफी किस क्या कहते किसे कहते हैं। तो ट्रेड यानी बिजनेस में भी इनका यूज़ होता है ना, तो उसके लिए सरकार ने कुछ प्रतिबंधों के साथ, रेस्ट्रिक्शंस के साथ परमिशन, अनुमति प्रदान की होती है। नो पर्सन शेल कमेंस और कैरी ऑन द बिजनेस एज मैन्युफैक्चरर, डीलर्स वगैरह वगैरह, ये देख लेना, डीलर इन मीट डिराइव फ्रॉम एनी शेड्यूल एनिमल्स इन ईटिंग हाउस। फिर ये है पेनाल्टीज, पेनाल्टीज क्या क्या हैं, ये देखो 500 रुपये किसकी है, और फिर अलग अलग तरह की पेनल्टीज लगी हैं, ये भी अपने नोट्स में डाल लीजिएगा। ये आज का आपका कंप्लीट हो गया वीडियो, अच्छे से पढ़ के नोट्स बना लेना और इसका असाइनमेंट कर लेना आप, कि आज का जो टॉपिक है उस पर पूरा एक ऐसे लिखिए आप, वाइल्ड लाइफ एक्ट पर ऐसे या निबंध लिखिए।